अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद है और आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक शख्स समंदर के किनारे चहलकदमी कर रहा था। उसने देखा कि दूर एक नौजवान साहिल के एक खास हिस्से पर बार बार नीचे झुकता, कोई चीज़ उठाता और उसको समंदर में फेंक देता है। चलते चलते वो शख्स उस नौजवान के करीब पहुंच गया। वो क्या देखता है कि साहिल के उस हिस्से में समंदर के किनारे हजारों मछलियां तड़प रही हैं। शायद किसी बड़ी मौज ने उन्हें समंदर से निकालकर रेत पर लिटा दिया हो और वो नौजवान मछलियों को समंदर में फेंककर उनकी जान बचाने की कोशिश में मसरूफ है। ये जानकर वो शख्स नौजवान की इस बेवकूफ़ी पर हंस पड़ा और हंसते हुए बोला कि भाई, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ तो हजारों मछलियाँ हैं, तुम कितनी मछलियों की जान बचाओगे। ये बात सुनकर वो नौजवान नीचे झुका और एक तड़पती हुई मछली को उठाया और उसे समंदर में उछाल दिया। वो मछली पानी में जाते ही तैरती हुई आगे को निकल गई। वो नौजवान ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि साहब, इस मछली को तो फर्क जरूर पड़ा है। याद रखें कि कानून फितरत है, अगर खेत में बीज न डाला जाए तो कुछ वक्त के बाद कुदरत उस खेत को घास फूस से भर देती है। उसी तरह अगर दिमाग को अच्छी फिक्रों से न भरा जाए तो कज फिक्री अपना मस्कन बना लेती है। बिल्कुल उसी तरह अगर कोशिश न की जाए, कदम न उठाए जाए तो इनाम नहीं मिलता है, फल नहीं मिलता और मंजिल भी नहीं मिलती है। साइंस बताती है कि गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता बल्कि अंदर मौजूद गैस उसे उड़ाती है। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि आप गरीब हैं, अमीर हैं, काले हैं, गोरे हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अनपढ़ हैं या फिर पढ़े लिखे हैं? जी नहीं, दरअसल इंसान की अंदर की सोच, लगन, जज्बा और तड़प ही इंसानियत की सरफराजी और किरदार की बुलंदी तक उसे ले जाती है। हमें अल्लाह का शुक्र गुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें सोच अमल की मुकम्मल आज़ादी दी है। तमाम इस आज़ादी का तकाजा है कि हम एक दूसरे की आज़ादी का एहतराम करते हुए अपने हुकूक को, फ़राइज़ को बेहतर तौर पर अदा करें। पर अफसोस के दुनिया की रंगीनियों में घिरा हुआ ये इंसान आज अपनी जिम्मेदारियों को भूल कर अपनी तख्लीक के मकसद से बिल्कुल हट चुका है। दुनिया की चकाचौंध, रोशनियां, ओहदे, मर्तबे और दौलत जैसी आरजी और नापायदार चीज़ें इस खाक के पुतले को बिल्कुल गुमराह कर चुकी हैं और पाकिस्तान में चंद कुव्वतें हमेशा से अपने ज़ाती मफादात का तहफ़ को यकीनी बनाती हुई चली आई हैं, चाहे उसके लिए कौम और मुल्क उनकी आल और औलाद, कारखानों, जायदादों और बढ़ते हुए बैंक बैलेंस के लिए कोई भी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े, इनसे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैरूनी दुश्मन कुव्वतों के सरपरस्ती में पलने वाले इस सर्कस के शेरों और बिकाऊ मौलवियों का अशराफिया गुरु अपने बैरूनी आकाओं के कहने पर कोई भी कदम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मुल्क की अशराफिया का गुरु अपने बचाव और मफादात के तहफ़ के लिए सलामती और इंसाफ के इदारों को मुतनाज़ा बनाने का खेल एक बार फिर से पुरानी चाल और नई चाल के साथ खेलना शुरू कर दिया है। बाकी आवाम, हमारी आवाम तो कमज़ोर है, कमज़ोर सेहत की है, कम इल्मी है, जहालत है, शऊर की कमी और बुनियादी सहूलियतों की कमी की वजह से वो तो मैदान से पहले से ही बाहर हो चुकी है। और हमेशा की तरह आवाम को हर बार पर्दे और धोखे में रखकर ये सियासी, सन्यासी और बाबे और बच्चा जमूरा के मदारी नए अंदाज से खेल का आगाज़ करके हमेशा फतेह अपने नाम कर लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस खेल के उसूल और ज़वाबित को जो है वो वक्त की ज़रूरत और नज़ाकत देकर बनाया जाता है। पिछली कई दहाइयों से ये खेल कभी जमहूरियत का बचाव तो कभी सियासी इंतकाम और कभी मजहब के नाम पर खेला जाता रहा है। अब हमें तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना चाहिए। ये भी सच है कि हमारे माशरे में फैली हुई मिलावट, नाइंसाफ़ी, जलसाज़ी, करप्शन और अकरबा परवरी ने उस अशराफिया की मदद से अपने कदम हमारे कौमी और सरकारी इदारों में इस कदर मजबूत कर लिए हैं कि आज तक हम अपने नसबुलहन का तायुन ही नहीं कर सके हैं और सरकारी इदारों में अफसरान को अवामी खिदमत का दर्स याद नहीं करवा सके हैं। मौजूदा हुकूमत भी शदीद ख्वाहिश के बावजूद अपने मुख्तसर वक्त में मुल्क में फैली हुई इन आलूदा आलाइशों को समेट नहीं सकी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह मुआशी बदहाली है, सियासी जोकरों की मुसलसल जारी सर्कस और ख़ुद पीटीआई की तंजीमी नाइतफाकियाँ और कमज़ोर पॉलिसियाँ भी हैं। आज भी पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी सहूलियात की दस्तियाबी महाल है। इसकी वजूहात में हुक्मरानी जो हुकूमती जो नाअहली तो शामिल है ही, मगर अशराफिया का भी बड़ा हाथ है। हमारी तारीख बहुत तलख है, मगर अफसोस कि हाफ़िज़े की कमज़ोर इस कौम ने कभी भी अपने माजी से सबक सीखना पसंद नहीं किया है। जो ही वक्त की धूल माजी के अफराद को धुंधला देती है तो इस कौम के अफराद फिर से अपने नाखुदाओं के सामने सजदा रेज़ होने को तैयार हो जाते हैं।
इस वक्त अशराफिया की जंग इमरान खान के साथ है, इमरान खान की नाकामी में उनकी कामयाबी है, मगर कौम को याद रखना होगा कि मुश्किलें हर कौम के रास्ते में आती हैं, मगर बुलंद नज़र कौमें हमेशा पस्ती से बुलंदी की तरफ रुजू करती हैं। वो खुद तो ज़मीन पर होती हैं लेकिन उनकी नज़रें आसमान पर होती हैं। मुसलसल कोशिश उनकी ज़िंदगी का उसूल होता है और जिद्दोजहद के दिनों में उनकी तबीयतें सुकून और आराम से नाआशना हो जाती हैं, और ऐसी ही कौमों की ज़िंदगी का हर लम्हा दुनिया के लिए पैगाम इनकलाब होता है, और यही सबसे बड़ा सबब होता है जिसकी वजह से वो कौमें तरक्की से हमकिनार होती हैं। हर पाकिस्तानी के लिए अब वक्त है इरादा करने का और अमली कदम उठाने का। हमें अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए, उसके लिए हमें शख्सियत परस्ती, ज़ात बिरादरी, इलाकाई असबियत, मजहबी इंतहा परस्ती, नस्ली और लसानी बुतों को पाश पाश ही क्यों ना करना पड़ जाए। आओ कि अपने आस्तीन के सांप तलाश करें और उनका सर कुचलें, वरना हमारी आने वाली कई नस्लें हैं इसी तरह गुलाम रहेंगी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। आप अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।